सर, हमारा जो स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का विभाग है हरियाणा का, राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसके एडीजीपी श्री और हमारे श्री शशांक सावन जी पुलिस अधीक्षक हैं और श्री अनिल कुमार जी हमारे एसपी साहब हैं और डीएसपी जगवीर सिंह जी और इंस्पेक्टर सफीर जी के नेतृत्व में ये टीम दिन रात अम्बाला यूनिट की काम कर रही है। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि सेक्टर 8 के एरिया में नज़दीक शनि देव के मंदिर के पास एक सुमित नाम का घोंचू, इसको बोलते हैं, जो उसका शॉर्ट नाम है, वह लड़का है तकरीबन ये 19 वर्ष की, देखो कितनी छोटी उम्र है, इतनी उम्र का लड़का जो एक वर्ष से ये कार्य कर रहा है। ये आज 15 इंजेक्शन हैं जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में आते हैं, उसके तहत इसको न्यूरोग्रोपिन इनका नाम है, ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट लेके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सेक्टर 9 के अंदर 14 नंबर FIR है। और अपना लगातार ऐसी हम कार्यवाही करते रहेंगे और बार बार प्रहार नशा जो हमारी मुक्ति अभियान के तहत चलता ही रहेगा। नशा प्रहार कहाँ से लाता था इसको कुछ जानकारी? ये सर अभी एक और लड़का है बादशाही बाग के पास ही कॉलोनी पड़ती है, विश्व कॉलोनी का है वो, उसको भी अभी रेस्क्यू किया जाएगा। तो उससे आगे तफ्तीश में बात जो जैसे आएगी फिर पता चलेगा, ये तो उसी से लाता था।